हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं राजमा की सब्जी। राजमा की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप राजमा। इसे 4 से 5 घंटा समय लगता है भीगने में। एक दाल करने के लिए रखते हैं। करने के लिए हमने लिया है प्रेशर कुकर। राजमा 2.5 कप पानी लिया है। स्वाद अनुसार नमक लिया है। अब इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। के लिए हम मसाला देख लेते हैं। 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 लाल मिर्च लिया है, 1 कटे हुए टमाटर, 2 टुकड़े अदरक, 8 से 10 कलियां लहसुन, 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज। अब हमने ले लिया है मिक्सी का जार। इसमें हम डाल लेते हैं लहसुन के कलियां और छोटा टुकड़ा अदरक, लाल मिर्च। इसे हम पीस लेते हैं इस तरीके से। इसी में हम पीस लेते हैं टमाटर। हमने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई को गैस पे रखते हैं, गैस को ऑन करते हैं। और हमने लिया है 4 चम्मच तेल और 5 फोरन लिया है। 5 फोरन बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम अदरक और लहसुन लाल मिर्च का पेस्ट डालते हैं। इसे भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन। मेरा पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से भुना चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। इसे भी अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं। इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जल्दी से पक जाता है और मेरा प्याज जल्दी से गल जाते हैं। मेरा प्याज बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है और करने वाले हैं मसाले। 2 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। जार में ये जो पानी है इसे भी हम मसाले में डाल देते हैं। अब मसाले को हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं और अच्छे से इसे भून लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। ये देखिए, जब तक मसाला को तब तक भूजे जब तक कि ऊपर तेल ना आ जाए। तो यह देखिए, मेरा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसे हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना आ जाए। अब ये देखिए, हमारा मसाला पक चुका है। मसाले में से तेल भी ऊपर आ चुका है। इसमें हम डाल देंगे अपना राजमा। इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। अब हमारा राजमा भुना चुका है। अब इसमें 2 से 3 कप पानी डालेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, राजमा हमारा पक चुका है अच्छी तरीके से। इसे हम बाउल में निकालते हैं। ये देखिए, मेरा राजमा बन के तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में घंटी को दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।